हाँ जी, अमरनाथ की गणना 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होती। अमरनाथ शिवलिंग की गणना, अमरनाथ शिवलिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं होती। अमरनाथ की गंगा गणना, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं होती। हाँ, सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाला है कौन? वो अमर बनता है, है? वो उसके लिए कहेंगे अमर और मरने वाला, तो वो कैसे 12 की गिनती में? गिनती में कौन आता है? जो षष्ठी चक्र में आता है वो गिनती में भी आता है, और षष्ठी चक्र में आने वाले ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं। वो तो नीचे आने के बावजूद भी कहाँ रहता है बुद्ध योग से, है? सबसे ऊंची स्टेज में रहता है। वो गिनती में नहीं आता। और बाबा कहते हैं सूर्य का ग्रहण नहीं लगता। हाँ, जब लगता है तो उसके ऊपर पूरी छाया आ जाती है। हाँ, तो पीछे के लिए तो सूर्य ग्रहण लगता है ना, मुख्य के लिए सूर्य ग्रहण है। सूक्ष्म में तो सब शूटिंग हो रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण लगने के सूक्ष्म में शूटिंग हो रही है। सूर्य ग्रहण लगने की सूक्ष्म में संगम युग में शूटिंग हो रही है। देखिए, वो जो ज्ञान सूर्य है उसके ऊपर कुछ असर उसका होता है? ज्ञान सूर्य, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो स्थिति पर आकर के ज्ञान सूर्य कहा जाता है, या ऊपर 5000 साल रहा तब ज्ञान सूर्य कहा गया? इस सृष्टि में आता है और आकर के अच्छे से अच्छों को भी प्रकाश देता है और बुरे से बुरों को भी प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता कि ये पतित है, ये पावन सन्यासी है। सूर्य सबको प्रकाश देता है या किसी को देता है किसी को नहीं देता है? तो वो प्रैक्टिकल में आता है या सिर्फ सूक्ष्म में है? प्रैक्टिकल में आता है। साकार में वो निराकार आता है, तब ही ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। वो ज्ञान सूर्य भी है और ज्ञान चंद्रमा भी है। फिर वो ज्ञान सितारे बनता है कि नहीं? है? वो ज्ञान सूर्य का भी पार्ट है, ज्ञान चंद्रमा का भी पार्ट है, माता का भी पार्ट है, पिता का भी पार्ट है। तो बच्चों के रूप में पार्ट बजाता है या नहीं? है? ज्ञान सूर्य जिन बच्चों में स्पेशल पार्ट बजाता है और वो बच्चे स्पेशल सर्विसेबल बनते हैं। वो सर्विस करने वाला बाप ही है या कोई और है? बाप ही सर्विसेबल बनने का पार्ट बजाता है। और जो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं, उन बच्चों में से कौन से बच्चे हैं? जो अष्टदेव में भी आते हैं, और सूर्यवंशी कहे जाते हैं, हैं?
चंद्रवंशी बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं चंद्रमा की गोद में पलने वाले जो रुद्रमाला में ऐड होने के बाद सूर्यवंशी बन जाते हैं, तब विजयमाला कही जाती है। और अलग को जब समझे तब आगे बढ़ाओ। हाँ, वो ये सरस्वती के संदर्भ में था क्या? पहले 32 किलो वाला चित्र रखते थे। हाँ, और वो जब शिव का जब तक परिचय न मिले तब तक आगे चित्र पर नहीं बढ़ाओ। हाँ, तो वही संदर्भ था। ये बेसिक में चित्र दिखाया है शिव बाप का, वो चित्र कवियों की भाषा का चित्र है या साधारण लोगों की भाषा का चित्र है? उस चित्र में ज्योतिबिंदु भी दिखाया है, ज्योतिबिंदु के चारों ओर लिंग दिखाया है और लिंग के चारों ओर उसके 32 गुण दिखाए हैं। गुण और अवगुण साकार को होते हैं या बिंदु को होते हैं, इससे साबित होता है कि ज्योतिबिंदु शिव जब तक बिंदु रूप में है, साकार में नहीं आता है, तब तक वो निर्गुण है। जब साकार में आता है तब ही सगुण बनता है, और वो सिर्फ बिंदु नहीं है, साकार लिंग रूप में प्रवेश करता है। जो लिंग है वो निशान है, निशानी है, जो इस सृष्टि पर सदा काल कायम रहती है या अल्पकाल के लिए कायम रहती है। इसलिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाप ही है। ये नहीं कहा शिव बाप ही है, क्यों नहीं कहा? क्योंकि शिव बाप 5000 साल परमधाम में ही रहता है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं रहता है। और शिव बाबा, बाबा माने साकार, जिसकी निशानी लिंग दिखाई है, वो निशानी है जो इस सृष्टि पर द्वापर कलयुग में भी सारी हिस्ट्री की जब प्रत्यक्षता होगी तो लोगों को पता चलेगा कि वो ही एक आत्मा है जो जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट बजाने वाली है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है एक नारायणी है जिसकी कभी हार नहीं हुई, और आत्माओं की कुछ न कुछ हार जरूर होती रही,
जीत भी होती है हार भी होती है, लेकिन एक आत्मा कभी हार नहीं खाती। मुरली में क्या बोला है? हार जीत के बारे में कुछ बोला है? है क्या? विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब हुआ? है जन्म हुआ और विजय ही विजय है। जन्म किसे कहते हैं? अगर कहें विजय ही विजय है तो क्या राम की आत्मा फेल नहीं होती? है फेल हुई ना, यज्ञ के आदि में फेल हुई ना, तो जन्म से अधिकार कहाँ मिला? इस समस्या का क्या परिहार है? अरे जन्म माने क्या है? जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म। वैसे भी लौकिक में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? है अप्रत्यक्ष होता है, पता ही नहीं चलता बच्चा है बच्ची है, लंगड़ा है या लूला है। पैदा होने के बाद सबको पता चलता है। तो ऐसे ही वेद में जन्म होने का मतलब क्या है? किसे जन्म कहे किसे मृत्यु कहे? है अपने पार्ट पर पूरा निश्चय और अपने बाप पर भी पूरा निश्चय। तब कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय थे। तो आज में पूरा निश्चय हुआ या मध्य में पूरा निश्चय होता है या अंत में पूरा निश्चय होता है? कब कहे निश्चय बुद्धि विजय थे? जिन जिन आत्माओं को संगम युग में अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट का पक्का निश्चय होता जाएगा वो आत्माएं निश्चय बुद्धि कही जाएंगी। आज निश्चय होता है कल टूट जाता है, अवस्था डाउन हो जाती है। विपरीत बुद्धि की बातें करने लग पड़ते हैं तो उनको मृत्यु कहें या जन्म कहें? मृत्यु हो गई। तो ऐसा जन्म जो एक बार निश्चय बुद्धि होने के बाद पूरे संगम युग में कोई भी ऐसा क्षण ना आवे कि मृत्यु को पा जावे, अनिश्चय बुद्धि हो जावे, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय थे। नहीं तो माया हार खिलाई देती है। जैसे यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने हार खाई,
खार खाई या झूठी बात बोल दी है? खार खाई या नहीं खाई? अरे मुरली में झूठी बात बोल दी, ब्रह्म वाक्य झूठा होता है नहीं, तो हार क्यों खाई है? क्योंकि बाप ने बाप के रूप में आकर के परिचय पूरा नहीं दिया, उस समय एडवांस ज्ञान था है? नहीं था, अधूरा परिचय था। तो जब बाप आकर के पूरा परिचय बाप के रूप में देते हैं, बाप ही स्वयं अपनी पहचान देते हैं और दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयते। हार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, यहाँ ज्ञान मार्ग में मुर्दा कब होते हैं? जो जलाए जाते हैं, मरते हैं तब जलाए जाते हैं या मरने से पहले जलाए जाते हैं? यहाँ ज्ञान मार्ग में मरना क्या होता है? जो देवान से मरते हैं उन्हीं को मरना कहा जाता है। तो जो देवान से मरते हैं उनका देवान जलाया जाएगा ना, ऐसे मरे जो कब जिंदा होने की संभावना ही न रहे। दुनिया में भी किसी की हत्या करते हैं तो हत्या करने वालों का प्रयास क्या रहता है? हैं? तो जला दो, जो कोई प्रूफ न मिले। तो ये देह अभिमान ऐसे खलास कर दिया जाए जो राख बन जाए, जैसे अव्यक्तवाणी में बोला है। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं वो भी देखेंगे। तो कितने बनते हैं? हैं? आठ बनते हैं जो पूरा देह बांध छोड़ देते हैं। जरूर वो आठ ऐसी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में भी मान्यता प्राप्त हैं। जैसे मुसलमानों में कहते हैं आठ फरिश्ते, जिनका फर्ज की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं रहता, सिवाय एक बात के और कोई से रिश्ता नहीं। तो वो अष्टदेव कहे जाते हैं। ये जलाने की हिंदुओं में परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग से ही परंपरा पड़ती है। जो पूरे मरते हैं उनको ही जलाया जाता है, जो नाम निशान भी नव रहे देहबान का। क्योंकि देहबान का नाम निशान रहेगा तो कम कलाओं में जन्म लेना पड़ेगा या 16 कला संपूर्ण बनेंगे? कम कलाओं में जन्म लेना पड़ेगा और द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो देवान वाले धर्म है। इसलिए और धर्मों में जलाया नहीं जाता है। और धर्मों में क्या करते हैं? देवान की मिट्टी में दाब देते हैं, देवान की मिट्टी में छिपाए देते हैं। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
है, संगम युग में ही है जो अपना पूरा देवान नहीं त्याग पाते। पूरा देवान न त्याग पाने के कारण अधूरे रह जाते हैं। देवान को राख नहीं बना पाते। देवान धरणी में दबा रह जाता है। इसलिए बताया कि भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज है उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ता है। तो राख बनना है द्वापर युग से लेकर कलयुग तक या कबर खोद के गाड़ा जाना है, है? है? और शांति धाम में जाने वाली आत्माओं की यादगार है। शांति स्तंभ है, उसका नाम शांति स्तंभ क्यों है? जो शांति धाम में जाने वाली आत्माएं हैं, वो ही शांति धाम शांति स्तंभ की स्थापना करती है कि ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने आने के बाद शांति स्तंभ बनाया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद शांति स्तंभ कोई शांति धाम में प्यार करने वाली आत्माओं के द्वारा बनाया गया। सुखधाम से उनका उतना प्यार नहीं है जितना शांति धाम से प्यार है। इसलिए वो आत्माएं जो पक्का पक्का 100% बैकुंठ धाम कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, उस पैराडाइज में वो आत्माएं नहीं आती। कहाँ जाकर के जन्म लेती है, है? सतयुग के आदि में जब चौथाई कला का पार्ट पूरा हो जाता है 16 कला में से, तब उनका जन्म होता है। तब तक कहाँ पड़ी रहेंगी, शांति धाम में पड़ी रहेंगी। तो शांति धाम का फाउंडेशन डालने वाली पहली आत्मा कौन हुई? अरे कोई होगी कि नहीं होगी, है? उससे पहले जो आत्माएं सतयुग में जन्म लेंगी वो शांति धाम का फाउंडेशन डालने वाली होंगी या सुखधाम, बैकुंठ धाम या पैराडाइज में आने वाली होंगी, है? सुखधाम में आने वाली कही जावेंगी। अगर कलाएं कम हो गई तो पूरा सुखधाम कहाँ हुआ? और ईंटों का तो सुखधाम बनाया हुआ, भक्ति मार्ग में ईंटों का बनाया जाता है, जड़ बनाया जाता है कि सूक्ष्म बनाया जाता है? तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला कौन हुआ? शांति धाम भी तो वही ईंटों का बना हुआ। तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? भक्ति मार्ग है तो फाउंडेशन डालने वाला निमित्त कौन बना? अरे कौन बना? अरे आदि में जो था, आदि में था, आदि में तो सतयुग के आदि में जो आती आत्मा है वो तो और होती है। सतयुग का चौथाई कला जब पूरा हो जाता है तब उन आत्माओं का परम धाम से आना शुरू होता है। तो उनमें से कोई आत्मा ऐसी होगी जो पहले नंबर में आती होगी। क्या है उसका पार्ट सतयुग में? अरे हैं, कृष्ण का बच्चा बनेगा तो कौन से नंबर का नारायण है,
है, नंबर दो का नारायण है या नंबर वन नारायण है? नंबर दो का है। नंबर दो अच्छा माना जाता है या खराब माना जाता है? खराब चीज है। हाँ, अमृता अग्निदान, अग्निदान, अग्निदान करते हैं। अग्निदान, अग्निदान, अच्छा वो मुर्दे को जलाते हैं। हाँ, हैं? इसकी शूटिंग ये होती है कि इस मनुष्य सृष्टि में बड़ा बच्चा कौन है? है? अरे इस मनुष्य सृष्टि में कोई बड़ेल्ला है या नहीं है? कौन है? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा संगम युग में जब अपना परिचय रूपी पूरा जन्म लेती है, अपने पार्ट को पहचानती है, अपने पार्ट के संगम युगी रहस्य को पहचान लेती है, तो वो कब आती है ज्ञान में? हैं? हैं? अरे ज्ञान में माने, ज्ञान माने पहचान, क्षेत्र में पहचान में आती है। जब पहचान में आती है तो योग अग्नि किसी को लगती है या नहीं लगती है? पहले पहले ज्ञान की अग्नि किसी को लगती है या नहीं लगती है? हैं? किसको लगती है? ब्रह्मा वाली आत्मा को लगती है। जिस आत्मा को अग्नि लगती है वो आत्मा ज्ञान मार्ग में उसका बाप बनी या नहीं बनी? अरे वो ब्रह्मा कुमार बनता है या नहीं बनता है जो अग्नि लगाने वाला है? तो वो बाप है, वो बच्चा है। सनत कुमार को ब्रह्मा का बच्चा कहते हैं या बाप कहते हैं? बच्चा कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये परंपरा चल पड़ी, क्या जब बाप मरता है तो अग्निदान बड़ा बच्चा करता है। और सुपारी के साथ तो शादी भी लगाते हैं। सुपारी के साथ शादी लगाते हैं। सुपारी एक दल का बीज है या पत्ता है या टहनी है या जड़ है? एक दल का बीज है। जब बच्चा मरता है तो एक दली जो बीज है उस पे चढ़ाते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में चढ़ाते हैं। हैं? महाराष्ट्र में। हाँ, तो उसे कहाँ गाड़ते हैं? गाड़ते हैं या अग्निदान देते हैं? रात में, सुपारी के साथ अग्निदान देते हैं। हाँ, कुमार को अग्निदान देते हैं। तो फाउंडेशन तो संगम में ही पड़ा होगा। हैं? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। जब फाउंडेशन पड़ता है तो उस आत्मा को पता चलता है कि मेरा साथी कौन है जो मेरे साथ ही जाएगा। हैं? कौन है? हैं?
शिव बाबा साथी, वो साथ में जाएगा, साथ में जाएगा है, जन्म जन्मांतर। अरे स्त्री को क्या कहते हैं जो साथ में रहती है, संगिनी बन के रहती है, उसको क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। तो ज्यादा से ज्यादा जन्मों में संग रहने वाली कौन है? अच्छा कुमारों में बड़ा कुमार तो पता चल गया ना, सनत कुमार है ना। तो जो सनत कुमार का पार्ट है उसके साथ ज्ञान की अग्नि और योग की अग्नि लेने वाली अर्धांगिनी कौन है? हैं? कौन? छोटी माँ है, उसको पहले ज्ञान मिलता है। हैं? बड़ी माँ है, क्या नाम है? जगदम्बा। वो जगदम्बा बीज है या पत्ता है या टहनी है? बीज है। तो बीज ही साथी है, जगत पिता और जगदम्बा और फिर बताएं। अरे टैप रिकॉर्ड में भर गया, दोबारा सुन लेना है। बाप बच्चे, बच्चा जो है बाप को अग्नि देता, बाप कैसे बच्चे को अग्नि देता? बच्चा बाप को अग्नि देता है, जैसे राम वाली आत्मा। हाँ, और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान अग्नि नहीं देती है पहले पहले? अरे चंद्रमा किसके मस्तक पर दिखाया जाता है? किसके मस्तक पर दिखाते हैं? शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, तब ही तो शंकर कहा जाता है। तो शंकर के रूप में प्रत्यक्षता कब हुई? 76 में? उससे पहले कोई ज्ञान ले सकता है क्या? हैं? भले स्वीकार करे या न करे, जब तक स्वीकार नहीं करता है तो अधूरा चंद्रमा, और स्वीकार कर ले तो संपूर्ण चंद्रमा। बाबा अभी सुपारी की बात बताई। हाँ बताया बाबा ने कि जन्म जन्मांतर साथ रहने वाली। हाँ जन्म बात तो जन्म जन्मांतर साथ नहीं रहती। अच्छा तो भारत माता 21 जन्म के लिए साथ रहती है, उसके बाद भी साथ रहती है? भारत माता 21 जन्म के लिए साथ रहती है और जगदम्बा साथ नहीं रहेगी? हाँ? ये बताओ शिव बाबा एहसान फरामोश है या एहसान मंद है? एहसान मंद है। और बच्चे नंबरवार एहसान फरामोश है या नंबरवार है या संपूर्ण है? नंबरवार एहसान फरामोश है और एहसान मंद भी नंबरवार है। तो जिसकी वजह से ये सारा मजमा बैठा हुआ है, किसकी वजह से बैठा हुआ है, उसका एहसान नहीं मानेंगे? हैं? या मक्खी जैसे दूध में से निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे जन्म जन्मांतर की ये फेंक देंगे क्या? हैं? परिवार में ही रहेगी या परिवार से बाहर जाएगी? परिवार में ही रहेगी। हाँ आता है बाप, शिव बाबा डायरेक्ट आते हैं। और दूसरी बात है में आता है कि मैं बुलाने पे आता हूँ। और तीसरी बात है बाबा बोलते हैं मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। एक तीन सेंटेंस का कनेक्शन किया मैंने, तीन बातें कहा है ये जो मैं डायरेक्ट आता हूँ। हाँ डायरेक्ट आता हूँ मैं तुम्हारे बुलाने पे आता हूँ। तुम पति बोल रहे तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आता हूँ। हाँ और ये तीसरा बात के मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, जब त्रिमूर्ति होते हैं तो मैं आता हूँ। हाँ तो इसका मीनिंग क्या है, मेरे बेहद में क्या है? तुम्हारी बुद्धि में तीनों इकट्ठे आए या आगे पीछे आए? नहीं
दुनिया की बात छोड़ दो, अपनी बुद्धि की बात करो। बुलाने पर आए, सब बुलाने बुलाया जाता है। जब दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, या सुखी होते हैं तब बुलाते हैं, हैं? जब दुखी होते हैं तब बुलाते हैं। तो अपने वैश्विक जीवन को याद करो। वैश्विक जीवन में ज्ञान लेते लेते अंत में दुखी हो गए तब आया, या पहले आ गया? दुखी हो गए तब आया। और ज्ञान भी मिलने के बाद बुद्धि में धीरे धीरे ज्ञान बैठता है कि एक साथ बैठ जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है पैदा हुआ, फिर पैदा होने के बाद समझदार भी होता है ना, तो एडवांस में भी समझदार कब बने? बाप को पूरा पहचाना तब समझदार बने, या सिर्फ बिंदु को पहचाना तब समझदार बने? हैं? अच्छा वो तो हो गया, लेकिन तीन के साथ हुआ या एक के साथ आया? तीनों को पहचान लिया। अब चालू है, अभी तीन को पहचाना नहीं, इसीलिए प्रश्न कर रहे। अभी तीनों पार्ट का पहचान हो गया कि ऐसे ही दुनिया में गाते रहते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हाँ? तीनों आत्माओं की पहचान नहीं हुई? हो गई ना। तो तीनों आत्माएं जब तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएं, कि तीनों आत्माएं बुद्धि में बैठ गई, माना तुम्हारे सामने परिचय हो गया, बाप को तुमने पहचान लिया। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा? हो गया ना, तीन मूर्ति बुद्धि में नहीं बैठी। तीसरा प्रश्न और पूछा था ना, क्या क्या तीन बातें? डायरेक्ट आता हूँ। हाँ तो डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट कब कहें? हाँ इनडायरेक्ट कहेंगे जब हम सिद्ध न कर पाए। बेसिक में तो ढेर चलते, हम भी चले थे, लेकिन कोई पूछे कि इसका प्रूफ क्या है कि ब्रह्मा बाबा में शिव आता है, निराकार ज्योति बिंदु, तो कोई प्रूफ दे सकते थे? अभी भी कोई प्रूफ है? नहीं है। लेकिन बाप के बारे में तुम्हारे पास प्रूफ है, तो इसलिए तुमने जाना है कि अब हमको डायरेक्ट बाप मिला है। और सतगुरु का पार्ट पूछते कहा जाए? है सी भी सत्य, था भी सत्य, और हो सी भी सत्य। अभी वर्तमान में जो पार्ट है बच्चों के सामने, वो ऐसा समझते हैं कि यही गॉडफादर ट्रुथ है, सत्य है, सदा समझते हैं, या कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं, है? बताओ। सदा के लिए। अब कितने दिन हो गए ज्ञान में आए, एडवांस में? सदा के लिए नहीं समझते ना, कभी निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जो अव्यक्तवाणी में बोला कि जो देखे जो सुने बाप से, जो बाप को देखे उसकी बुद्धि में सच्चाई का निश्चय बैठ जाए कि यही ट्रुथ गॉड फादर है, इसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं है। अभी तो बुद्धि भटकती है, माया भटकाए देती है, फिर जो सतगुरु है, सच्चा गुरु है, उसका पक्का निश्चय बैठ जाएगा। जब पक्का निश्चय बैठ जाएगा
तब ही माला का मन का डिक्लेयर होगा, बुद्धि की सदगति कही जाएगी। सदगति वाली बुद्धि बाप को पहचानने वाली होनी चाहिए, बाप को बाप के रूप में नहीं पहचाना, बुद्धि भटक गई किसी और को बाप बना लिया, तो सदगुरु को पहचाना या सिर्फ नंबर वार गुरु को पहचाना है, क्या कहेंगे? नंबर वार गुरुओं को पहचाना, लेकिन सदगुरु को पहचानते हुए भी नहीं पहचाना। और माने अभी सदगुरु का पाठ कहेंगे या नहीं कहेंगे है? अभी अभी नहीं कहेंगे। भाई क्वेश्चन में आया है, लक्ष्मी का जन्म जन्मांतर पाठ रानी का है, जो यहाँ अधीन होकर के रहते हैं वो वहाँ अधीन रहने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? है? कर रहे हैं। राजा रुद्रमाला के मणके बनते हैं या विजयमाला के मणके बनते हैं, चंद्रवंशी मणके बनते हैं? है? जो रुद्राक्ष हैं, रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, वो ही बाप के बच्चे हैं जो पूरी पढ़ाई पढ़ के राजा ही प्राप्त करते हैं। और लक्ष्मी का भी पार्ट है और जगदम्बा का भी पार्ट है, दोनों पार्ट स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में है? लेकिन स्वाधीन रहने वाले राजा की शूटिंग कौन करता है और अधीन रहने वाली रानियों की शूटिंग कौन करता है? यहाँ जो शूटिंग करेगा वही तो वहां बनेगा, और लक्ष्मी का पार्ट तो है ही अंत का, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, अंत हो जाएगा फिर पुरुषार्थ करने की दरकार है? हैं? तो दरकार ही नहीं रहेगी, पार्ट ही प्रत्यक्ष होने लगेंगे। इसलिए का मतलब इतना ही था कि जन्म जन्म कर रानी का पाठ है तो या तो सन्यासी का पाठ या तो ब्रह्मा कुमारियां जैसे सन्यासी बनकर रही पड़ी है वो सन्यासी का पाठ है या तो रानी का पाठ है। आएगा क्यों नहीं आएगा? लेकिन ज्यादा जन्म स्त्री के आएंगे या पुरुष के आएंगे? स्त्री चोले ज्यादा होंगे। और हाँ महाभारत में दिखाया है कि अर्जुन और कर्ण दोनों बराबर के जन्म करते हैं और अंत में जब कर्ण का लड़का को लिया धरती में ध्वस्त करना है तो अर्जुन मान चला जाता है और मृत्यु दिखाई है। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण की मृत्यु दिखाई है कौरवों के पांडव में। हाँ कर्ण की जो मृत्यु दिखाई है वो कर्ण का पाठ ब्रह्मा का है। कौरवों के बाणे से ब्रह्मा की मूर्ति क्या ब्रह्मा की मृत्यु? कौरवों ने बाण चलाए तो कर्ण की मृत्यु हुई? ऐसे तो नहीं, ऐसे है क्या? जो कर्ण ही ब्रह्मा का पार्ट है वो कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाण से हुई है या कौरवों के बाण से हुई है? अर्जुन के बाण से हुई है।
ब्रह्मा जो यहाँ से जो आया ब्रह्मा को तो किसके द्वारा हुआ था? हाँ कौरवी थे ना। कहाँ? अभी ब्रह्मा कुमारी में जो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो वहाँ हार्ट अटैक आया तो बांध लगे ना। हार्ट अटैक आया वो स्थूल मृत्यु हुई या उनकी आत्मा की वो मृत्यु हुई जो देहाभिमान से होनी चाहिए? वो मृत्यु जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो देहाभिमानी की मृत्यु हुई या देहाभिमान और ही सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद बढ़ गया तो मृत्यु कहाँ हुई? तो सूक्ष्म शरीर रहा ना। तो वो सूक्ष्म की ही तो बातें हैं ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जितनी भी बातें हैं वो सूक्ष्म की हैं या भक्ति मार्ग की स्थूल बातों की तरह हैं? सूक्ष्म बातें हैं। और धरणी में पहिया धस जाने का क्या अर्थ है? हैं? पहिया क्या है? हैं? जो मनन चिंतन मंथन रूपी चक्र है शरीर का, शरीर रूपी रथ का, वो देह अभिमान की मिट्टी में धस गया और उस मौके का अर्जुन ने फायदा उठा लिया। अर्जुन ने गलत काम किया या सही काम किया? हाँ सही काम किया। युद्ध में ये माना जाता है कि सामने का योद्धा शस्त्र हाथ में हो तब ही लड़ाई लड़नी चाहिए या निशस्त्र के ऊपर वार करना चाहिए? हैं? हैं? कर्ण के पास कुछ शस्त्र नहीं था। मुझे पूरा मन से चक्र उसका घुमाए माना। ये जो मृत्यु की बात है कर्ण की वो आदि की बात है, मध्य की बात है या अंत समय की बात है? अरे अरे देवान से कब मरता है? अंत में मरेगा ना, तो अंत कब आएगा? ये आ चुका। आपकी बुद्धि तो 68 में चली गई। तो सूक्ष्म सारी बात सूक्ष्म शरीर की ही है। सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजा रही है वो आत्मा, तभी चंद्रमा अर्ध है। हाँ देवानी की मृत्यु हो तब मृत्यु कही जाए, वो तब ही होती है जब चक्कर घुमाना धरणी में धस जाता है। और हमारी पद बोला है तो ज्ञान कलश लक्ष्मी है, ज्ञान कलश लक्ष्मीनाथ में दिया और मोदी में है तो ज्ञान कलश भगवान ने बोला ज्ञान कलश तुम माताओं के हाथ में देता हूँ। मैंने लक्ष्मी को आप माता नहीं समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं क्या? लक्ष्मी आपकी माता है या नहीं है? अनक्षत्र से लक्ष्मी हो या जगदम्बा हो वो आपकी माताएं हैं या कन्या के रूप में देख रहे हैं? पूरी जगदम्बा को माताओं के हाथ में देता हूँ। लक्ष्मी का पार्ट 76 से ही खुल चुका है या अभी बुद्धि में नहीं खुला है? हैं? बुद्धि में तो खुल चुका ना, तो जब बुद्धि में पाए कि ही खुल गया तो जगत पिता के साथ या तो जगदम्बा है या तो लक्ष्मी है, दोनों ही माताएं हैं। माताओं के रूप में देखना है, कोई दूसरे रूप में देखना है, माता ही है। और असली माता कौन जो स्वर्ग स्थापन करे? है पवित्रता का 100% विरुद्ध धारण करने वाली असली भारत माता है या जगदम्बा है? हैं? भारत माता है। और उसके नाम के आगे तो टाइटल ही लगाया जाता है, क्या? भारत माता। और हाँ
बाबा अभी भारत माता है ना उसकी जगह बच्चे को दिखा दी हमारे वालों ने एक छोटे बच्चे को दिखाया भारत माता की जगह भारत माता की जगह पिता को दिखा दिया नहीं बच्चे को दिखाया छोटी बच्ची है बच्ची है बच्चे को दिखाया तो शिव बाबा का बच्चा है कि नहीं कोई बच्ची को दिखाया छोटी बच्ची है ना हाँ हाँ बच्ची माने जब कन्याओं को नव दुर्गा में भोजन खिलाते हैं पूजा करते हैं तो किस तरह की कन्याओं को चुनते हैं है? बच्ची कन्याओं को चुनते हैं या नौजवान कन्याओं को चुनते हैं क्यों किस लिए अरे कारण क्या है इसका कि बच्ची नौ साल की बच्ची को ही चुनते हैं हैं प्योरिटी उसमें ज्यादा होने की संभावना है इसलिए भक्त लोग जो कुछ करते हैं ब्रह्मा कुमारी में भगत हैं कि ज्ञानी हैं भगत हैं वो भक्ति मार्ग के आधार पर उनकी बुद्धि में है छोटी कन्या ऐसे तो वो रावण की तरह पूरा नॉलेज भी उनकी बुद्धि में है या नहीं है है इसलिए जिस हिसाब से नॉलेज है वो कन्या को ही ठीक ही रखा है और अरे छोटी कन्या है या दीदी दादियों में से है छोटी कन्या ही है और बाबा हाँ पीछे में नवरात्रि आते तो गरबा खेलते हैं ना वो लोग हाँ हाँ राधा कृष्ण बनाते हाँ हाँ जो नौ देवियों का मेला होगा नौ देवियों की प्रत्यक्षता होगी तो उसमें पहली देवी कौन सी होती है अरे पहले दिन कौन सी देवी की पूजा करते हैं हाँ? देवियां जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी कि ये नौ देवियां हैं तो अंत में प्रत्यक्ष होंगी या अभी भी प्रत्यक्ष हो रही है सारी हैं आदि और अंत वाली तो प्रत्यक्ष हो रही है बाकी बीच वालों का पता नहीं है तो गरबा की शुरुआत करने वाली भी कहां से होगी जरूर गुजरात से है इसलिए दुनिया के अंदर गरबा सबसे ज्यादा कहां का प्रसिद्ध है गुजरात का गरबा प्रसिद्ध है भक्ति मार्ग में उस गुजरात को क्या नाम दिया है, है? उस स्थान का नाम का क्या दिया है जहां से राधा प्रत्यक्ष हुई है, है? भक्ति मार्ग में अहमदाबादी कहाँ प्रसिद्ध है अंबाजी नाम है या स्थान का नाम है बरसाना बरसाना का अर्थ क्या है हैं? जो ज्ञान की बरसात ज्यादा बरसा है उसका नाम पड़ गया बरसाना जिसमें पवित्रता ज्यादा होगी वही ज्ञान की बरसात ज्यादा बरसेगा या पवित्रता वाला ज्यादा बरसेगा आप पवित्रता वाले की बरसात का ज्यादा प्रत्यक्षता होगी या पवित्रता वाली आत्मा के बरसात की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी है पवित्रता वाली की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी इसलिए बरसाना भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है क्या दिखाते हैं बरसाने में है अरे वहां का डांडिया नाच किया थे अभी बात की ना डांडिया नाच नाम क्यों रखा अरे वृंदावन के पास बरसाना भी है भूल गए मथुरा वृंदावन के पास बरसाना भी है और वहां भक्ति मार्ग में भी लठ बजता है क्या जब डांस करते हैं वो तो स्थूल डांस करते हैं यहाँ कौन सा डांस होता है ज्ञान का डांस होता है जब ज्ञान का डांस होता है
तो बरसाने वाली यहाँ लठ जमाती है क्या, चोट नहीं लगने देती लेकिन लठ चलता है, वो बचाव के लिए कपड़े का साफा बांधते हैं। पवन बनाने के लिए आता हूँ, मुरली में बोल रही कि ब्रह्म कुमारी को कि पतितों का यहाँ साथ मत लेना, पतितों को साथ मत लेके आना, ब्रह्म कुमारी को क्या जो मुरली में बोला है कि पतित को साथ मत ले लेके आना, ऐसा क्यों बोला है? बाबा तो आए हैं कि बाबा पतितों को पवन बनाने के लिए, हाँ मुरली ने बोला है तो अभी तो बोल दिया नए को सामने नहीं लाना, अभी मुरली नहीं सुने, जो पतित हैं वो बाबा के सामने आना चाहिए, बाबा का परिचय लेके सामने ला सकते, परिचय लेके जब परिचय पूरा मिल जाए, बच्ची हो जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, जन्म ले ले, बाप का परिचय हो जाए, तो पुराना कहेंगे कि नया कहेंगे, तो गलत कहा बाबा ने या सही कहा? एडवांस में ही तो बाबा के सामने नहीं लाने की बात है, ब्रह्मा बाबा के सामने की बात थोड़ा ही बताई, एडवांस में जो बाबा है उसके सामने किसी नए को नहीं लाना, वो चाहे ब्रह्मा कुमार हो लाने वाला या ब्रह्मा कुमारी हो, अगर ऐसे नए को बाबा के सामने ले आएंगे जिसको बाप का परिचय ही नहीं हुआ है तो क्या होगा रिजल्ट, पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप चढ़ जाएगा, बहुत हैं ऐसे जो खुद तो किसी को नहीं समझा पाते लेकिन खुशी बहुत चढ़ी हुई है, बाबा की श्रीमती याद ही नहीं रहती है और बाबा के सामने ले जाएंगे तो इसका कल्याण कल्याण हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रगीत है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, हाँ तो वो पूरा राष्ट्रगीत का बेहद में अर्थ समझाइए, क्या पूरी रामायण समझाएं? नहीं नहीं, उसमें जो बात आपको समझ में नहीं आई हो वो समझाई जाएगी या पूरी भागवत कथा समझाइए? नहीं नहीं, कुछ 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 उसमें जो वर्ड है ना, हाँ जो वर्ड आपको समझ में ना आता हो वो बताइए, कुछ कुछ संस्कृत में जो शब्द है, हाँ संस्कृत के शब्द ही बताइए ना, माथा ही खराब हो गया और भी बोला है कि योगी की विषय में ऐसा बोला है कि योगी पक्का योगी, अगर उसने बाहर खा लिया, किसी के हाथ का भोजन स्वीकार किया खा लिया तो उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, हाँ बाबा की याद में था, पक्का योगी है तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर एडवांस में इसका क्या है, खा सकते हैं? अब आपको आप अपने को पक्का योगी समझते हैं तो मछलियाँ खाना शुरू कर दो, वही तो बताया जितना कायदा उतना फायदा, आप कायदा पक्का करना चाहते हैं या कच्चा करना चाहते हैं? मेरी चट्टो है गई जीव जले भी ले आला मुरिया, कभी कभी हाँ चार दिन बाहर रहना, हाँ तो थोड़ी जीव लपलपानी लगती है, बहुत दिन हो गए, हाँ शरीर को बिना बिना मांस मछली खाए शरीर कैसे चलेगा, थोड़ी जीव की चकाचौंध भी चाहिए ना, हाँ बाबा की याद में ले आएंगे तो उसका पाप खत्म हो जाएगा, तो बाबा की याद में शादी करना शुरू कर दो, हाँ अच्छा तो फिर अभी क्या कहा, पक्का योगी कौन है? अरे शिवो हम मत जाओ, सारी छूट हो जाएगी।